अफीम तस्कर को 8 वर्ष का सश्रम कारावास। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप MP7 न्यूज। हम आपके बीच कुकड़ेश्वर, मनासा, नीमच, मंदसौर, रतलाम क्षेत्र सभी प्रकार की खबरें लेकर आने का प्रयास करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए मनासा की विशेष बड़ी खबर। जी हां, अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश मनासा के द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी सुखलाल पिता कंवरलाल मालवी, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम पालड़ी, जिला मंदसौर को NDPS एक्ट 1985 की धारा 8/18 के अंतर्गत 8 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹50,000 जुर्माने से दंडित किया। गुलाब सिंह चंद्रावत अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 11 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 27/11/2010 लगभग 11:35 खेत पालिया चौराहा हनुमान मंदिर के पास मनासा रामपुरा रोड की है। पुलिस थाना रामपुरा में पदस्थ ASI उमेश वाजपेयी को मुखबिर से सूचना मिली कि हनुमान मंदिर के पास एक तस्कर अफीम लेकर बैठा हुआ है जो किसी और तस्कर को देने जाने वाला है। मुखबिर सूचना के आधार पर वह फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां मुखबिर द्वारा बताए हुलिये का व्यक्ति 3 अन्य लोगों के साथ बैठा हुआ था। पुलिस फोर्स के वहां पहुंचने पर साथ में बैठे 3 अन्य व्यक्ति मौके से फरार होने में सफल हो गए, किंतु पुलिस द्वारा आरोपी सुखलाल को घेराबंदी कर पकड़ा तथा उसकी तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से पॉलीथीन में 1 किलो अवैध अफीम मिली, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस परमिट नहीं होने से अफीम को जब्त कर व उसे गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 153/10 धारा 8/18 NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मौके से फरार शेष आरोपी गण की जानकारी निकाल कर उसको गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जब्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराए गए। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुखलाल मालवी को अवैध रूप से अफीम की तस्करी किए जाने के अपराध का दोषी मानते हुए धारा 8/18 NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत 8 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹50,000 जुर्माने से दंडित किया। वह शेष आरोपी गण नयन सिंह गुजर, बाबूलाल कुमावत व दिनेश को अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर संदेह का लाभ प्रदान कर दोष मुक्त किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी गुलाब सिंह चंद्रावत अपर लोक अभियोजक मनासा द्वारा की गई। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।